अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अभी तो ठीक थे बाबी, अचानक कंबल ओढ़ के क्यों बैठ गई? कुछ तो है, हो ना हो साड़ी इन्हीं के पास है। कविता, तुम्हें क्या हो गया? मुझे पता नहीं, अचानक से बहुत ठंड लग रही है। अरे अभी तो तुम अच्छी वाली थी, अचानक कैसे तुम्हारी तबीयत खराब हो गई? दवा ली? हाँ खाए बुआ जी, अभी अभी। अच्छा तुम कली की साड़ी लाई थी क्या? नहीं बुआ जी, मैंने नहीं लिया, मैंने देखी भी नहीं। फिर भी बुआ जी एक बार साड़ी ढूंढ लेते हैं, क्या पता कविता भाभी गलती से कली की साड़ी ले आई होंगी अपने कपड़ों के बीच में। वैसे भी भाभी की तबीयत अभी ठीक नहीं लग रही है, और ऐसी हालत में भाभी से गलती हो सकती है। हाँ हाँ देखो, तुम दोनों देखो जी। साड़ी तो इन्हें मिलने से रही, बुखार तो नहीं है? नहीं बुआ जी, बुखार नहीं है, बस ठंड लग रही है बस। अच्छा साड़ी मिली? नहीं बुआ जी, यहाँ पर तो साड़ी नहीं है। कली तुम देखो। भाभी साड़ी तो हमें दिख गई है, इससे पहले साड़ी किसी और की नजर में आए आप उसे अच्छे से ढक लीजिए। बड़ी दादी सास जी, साड़ी तो मिल नहीं रही, तो एक काम करते हैं कि आज रहने ही देते हैं, हम फिर किसी और दिन चले जाएंगे घूमने, है ना? ऐसे कैसे रहने देते हैं कली, बुआ जी ने इतने मन से तुम्हारे लिए वो पीले रंग की साड़ी मंगवाई थी, वो भी माता रानी के आशीर्वाद वाली। हम एक काम करते हैं बुआ जी, हमारे पास भी ना एक पीले रंग की साड़ी है, उसमें भी माता रानी का आशीर्वाद है, हमने दिव्यम की होने वाली पत्नी के लिए वो साड़ी मंगवाई थी, तो वो साड़ी फिलहाल हम कली को दे देते हैं, ठीक है? हम अभी लेकर आते हैं। हाँ सुजाता ला दो जी। चलो कली। कितनी शिद्दत से आप कोशिश कर रही है ना गोलू और कली को दूर करने की। तुमने मेरे सारे किए कढ़ाई पर पानी फेर दिया सुजाता, तुम्हें तो उस गोलमुखी बहू से छुट्टी मिल गई, मेरा क्या? मेरे बारे में तो कुछ सोचो सुजाता। तेरी प्यारी भाभी, बस कुछ दिन, एक बार हमें ये संतुष्टि मिल जाए कि वो गोलमुखी हमारे घर को छोड़कर चली गई है और हमारे मुन्ना की जिंदगी से बहुत दूर चली गई है ना, उसके बाद हम कली को आपकी जिंदगी से दूर करने में आपकी पक्का मदद करेंगे। सच्ची सुजाता। मुच्ची भाभी। हे भगवान। सुनते हैं राधिका के पापा, हम पहुंच गए हैं। अच्छे सुनिए, अम्मा जी के साथ अच्छे से माता रानी के दर्शन करिएगा, और हाँ अब राधिका के लिए माता रानी की चुंदरी लाना बिल्कुल भी मत भूलिए। हाँ अच्छा रखते हैं। राधिका के बिना गांव में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। खैर अब शादीशुदा बेटी से उम्मीद भी क्या रख सकते हैं कि हमारे पीछे पीछे घूमेगी, गृहस्थी संभालेगी या हमारे साथ आएगी। जो कपड़े इस्तेमाल नहीं हुए ना उसे वापस रख देते हैं। हमारी प्यारी सी गुड़िया, हर बार इस फोटो को देखते हैं तो सोचते हैं कि
इस बार अच्छे से एल्बम में लगा देंगे, और हर बार भूल जाते हैं, अभी लगाते हैं। ये फोटो खराब कैसे हो गई? हमारी बच्ची सही सलामत तो है ना? कहीं उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं? भोलेनाथ, भोलेनाथ, हमारी बच्ची को सही सलामत रखना, तो उस पर कोई आंच ना है। करना? हाँ हाँ भाभी, बस हो ही गया। हाँ बन गया, चलो मैं एक बार देख लेती हूँ। सुजाता, ये तुमने क्या बना दिया? मुझे कार्टून बना दिया। भाभी उसमें वीडियो में ऐसा ही बना था, वही हमने देख के बस बना दिया। ऐसा ऐसा बंद करो ये नौटंकी। तुम दोनों सास हो, हमारे घर की बहू मिल नहीं रही है, उसका कोई आता पता नहीं है, और तुम दोनों को नौटंकी सोच रही है? मां चुप रहो। तुम दोनों अच्छी सास तो बन नहीं सकती हो, कम से कम इंसानियत के नाते ही सही, अपनी बहू के बारे में तो सोचो। राधिका हमारे घर की बहू है, याद है तुमको या भूल गई? वो मिल नहीं रही है, इस चीज की तो चिंता करो। राधिका मिल नहीं रही है? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? दिव्या, दिव्या अच्छा हुआ तू आ गया, मैं तुझे सब कुछ सच सच बताने वाली थी। कब बताने वाली थी आप? राधिका मिल नहीं रही है, मैं माँ को फोन करके पूछ रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, तो वो मुझे कह रही है कि नहीं घर पे सब कुछ ठीक है, एकदम बढ़िया है, तो फिर राधिका मिल कैसे नहीं रही है? वो दरअसल हुआ यूं के दादी। हाँ? सच सच बताना मुझे, एकदम साफ साफ क्या चल रहा है? बात बस ये है कि राधिका मायके चली गई। मायके चली गई, लेकिन उसने बताया नहीं कि वो मायके जाने वाली है। वो चुनौती नहीं पूरी कर पाई, इसीलिए मुंह छुपा के अपने मायके चली गई। आप सब लोग ना इन गोलगप्पों की तरह गोल गोल बातें क्यों कर रहे हैं? कोई मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रहा कि चल क्या रहा है? बुआ जी ने अभी बताया ना तुझे कि राधिका अपने माँ पापा के पास मायके गई है उनसे मिलने के लिए। अब क्या बहू दो दिन के लिए सुकून से अपने मायके भी नहीं जा सकती है? मेरा कहने का मतलब ये नहीं था माँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर राधिका मायके गई है तो कॉल या मैसेज कुछ भी नहीं किया तो पता कैसे चलेगा? हमने तुझसे कहा था ना कि उसका फोन खराब हो गया था, गिर गया था उसका फोन, तो शायद इसलिए वो तुझे फोन करना भूल गई होगी, नहीं कर पाई होगी। तो अभी अभी थका हारा चला रहा है, जा पहले जाकर के फ्रेश हो जा, थोड़ा सा आराम कर ले। अब तू अगर हमें फिर से फोन कर देता तो हम तेरी पसंद का खाना बना करके रखते बेटा। आने से पहले अगर बता देता आपको तो सरप्राइज सरप्राइज कैसे रहता मां? सरप्राइज करना चाहता था, मुझे थोड़ी पता था कि ये सब जानकर मैं खुद यहाँ सरप्राइज होने वाला। ये गोलगप्पे लाया था मैं। गोलगप्पे? तू ये गोलगप्पे हमारे लिए लाया था ना, इसमें मीठी चटनी है ना? माँ वो गोलगप्पे राधिका के लिए लाया था, तो मीठी चटनी तो नहीं है, उसे नहीं पसंद है। लेकिन वो तो है ही नहीं यहाँ पे। कोई बात नहीं दिव्या बेटा, ये मैं बाद में खा लूंगी। हैं? अच्छा चल ठीक है, जा जा करके फ्रेश हो जा, तब तक हम तेरे डिनर की तैयारी करते हैं।
हाँ माँ। ये राधिका भी ना मायके जाने से कम एक मैसेज तो कर ही सकती थी ना ये लड़की। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले